खंडवा लोकसभा उपचुनाव के अंतर्गत नगर परिषद काटाफोड़ के 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान देने आए लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं मजदूर वर्ग ने अल सुबह से ही अपने मत का प्रयोग कर अपने कार्य में लग गए। कुछ युवा मतदाता पहली बार अपने वोट का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया, साथ ही मतदान केंद्रों के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन में जो बागली का विधानसभा है, इसमें 355 मतदान केंद्र हैं और अभी 11 बजे तक 34% वोटिंग हो चुकी है, जो कि अच्छा वोटिंग टर्नआउट है। हमारी जो स्वीप एक्टिविटी की टीम है वो भी लगी हुई है लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 80% से अधिक वोटिंग बागली विधानसभा में होगी। सर, कहीं पे बहिष्कार का भी मामला सामने आया था, उसमें क्या कहना आपका? देखिए, एक दो गांव में इस तरह का आया था, जो कि बड़ा स्पष्ट उनको कर दिया गया है कि मतदान के दिन कोई ऐसी मांग नहीं की जाती, और इस तरह से लोग अगर कोई मांग करते हैं उनके विरुद्ध सख्त, अगर इनको प्रेरित करने वाले जो लोग हैं उनको विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगह से हमने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की भी है। देखिए, सभी मतदान केंद्रों पर फ्री और फेयर मतदान हो, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकें, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि सभी जगह मोबाइल पार्टी घूम घूम के सुरक्षा व्यवस्थाओं का, अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लें, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। यदि कोई छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो उनको समय रहते हुए तत्काल रिजॉल्व कर लिया जाए, ताकि निर्बाध रूप से मतदान चलता रहे। सर, कहीं कोई अप्रिय घटना बागली विधानसभा में? नहीं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। सभी जगह सुबह से ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं पर भी कोई व्यवधान या किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं।